आज भैया जी बना रहे हैं बाटी चोखा, जिसकी वो खुद तैयारी कर रहे हैं। आप क्या छील रहे हैं? लहसुन लहसुन अदरक। और किसमें बनाएंगे आप? कंडे में। तो आज भैया जी बनाएंगे कंडे में। और कल से वो कंडा अंडा ले आए हैं, एंड बस हम लोग आटा सान देंगे और भुर्रा बना देंगे। उसकी तैयारी मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल जब जेंट्स लोग काम करते हैं तो बहुत विधि से करते हैं। देखिए कितना सारा अदरक लहसुन। कैसा बनाएंगे? टेस्टी। और कल से भैया जी धनिया, मतलब 50 रुपए की उन्होंने धनिया ले ली, जो कि कल 20 रुपए की ली थी, वो खराब हो गई, आज फिर उन्होंने लिया। और ये अदरक नींबू अच्छे से डाल के विधि से बनाएंगे, तो देखिएगा आज आप। तो ही कट कर रही प्याज, बीबी को लगा दी है कटिंग में। बस हम आटा सान देंगे और आज हम लोग बाटी जो बनाएंगे भैया जी भरी हुई। वैसे ही मेरा रोस्टेड चना था, बट थोड़ा सा मॉइस्चराइज हो गया था मौसम की वजह से, बारिश इतनी हो रही है, तो इसको मैं हल्का सा कलहार रही हूँ ताकि थोड़ा सा कुरकुरा अच्छा हो जाए, ताकि मैं इसको अच्छे से पीस लूँ। मैंने चने को अच्छे से भून लिया था ताकि हल्का सा इसका मॉइस्चराइजपन चला जाए, एंड इसका मैं निकाल रही हूँ छिलका और इसके बाद मैं इसको पीस लूँगी। और इधर जो ही मिर्चे कट कर रही है, मिर्चा अदरक लहसुन इन तीनों को एक साथ मिक्सी में पीसेंगे। बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसेंगे, थोड़ा सा दरबरा, क्योंकि दरबरा ही अच्छा लगता है। और इतना ज़्यादा पीसेंगे कि भरते में और भुर्रे में दोनों में यूज हो जाए। और इधर मैंने अपना चना पीस लिया है। लहसुन मिर्चा अदरक इन तीनों को भी अच्छे से पीस लिया। आप देख रहे होंगे ये दरबरा है, महीन बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग की ऑलमोस्ट तैयारियां हो गई, अब बनाने जा रहे हैं हम लोग भुर्रा। ये देखिए ये बेसन बिना हुआ चना जो मैंने अभी पीसा, अनियन एंड ये लहसुन अदरक मिर्च धनिया कटा हुआ एंड ये लेमन। अब मैं सबसे पहले बनाने जा रही हूँ भुर्रा, जिसके लिए ये कटे हुए प्याज हैं और ये 4 से 5 प्याज कटे हुए हैं। आप अपने घर में जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग ही बनाइएगा, तो इतने प्याज लग जाएंगे। और इतना ये चना भुना हुआ था जितना मैंने आपने देखा था, उतना ही मैंने इसको छलनी से चाल लिया था। और ये पूरा सत्तू, मतलब भुना हुआ चने को जो मैंने पीस रखा था उसे सत्तू कहते हैं, तो इसको मैं पूरा डाल दूँगी। और बस मैंने अपने प्याज में डाला है जीरा और ये अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, आधा मैंने बचा लिया भरते के लिए। और ये मैंने डाल दिया इसमें सत्तू, नमक, इसमें डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल अच्छे से डालेंगे एंड डालेंगे लेमन। इसमें एक ज़रूर चीज़ होती है जो मैं डालना भूल गई थी, अब मैं डाल रही हूँ, तो ये है मंगरेल। इसको मैं अच्छे से डालूँगी। मंगरेल मैं आटे में भी डालती हूँ, भुर्रे में भी डालती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप लोग को ना पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं ज़रूर डालती हूँ। बस इसको मैं अच्छे से मिला के साइड कर दूँगी, उसके बाद मैं सानूँगी आटा।
हाँ, मुझे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल कम लग रहा था तो मैंने और डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी अच्छे से धनिया। जितना धनिया नहीं आप डालिए, टेस्ट उतना ही अच्छा लगता है। तो हम लोग बहुत अच्छे से धनिया डालेंगे। अब मैं इसी पतीले में आटा सान लूँगी जिसमें मैंने डाला है आटा, और ये मैं डालती हूँ अरारोट। अरारोट डालने से क्रिस्पी और कुसकुस कुरकुरा अच्छा सा बनता है, तो अरारोट मैं ज़रूर डालती हूँ। तो इसमें मैंने 5 से 6 चम्मच डाला अरारोट, और ये मैं डाल रही हूँ मंगरेल। और मैं इसमें डालूँगी अजवाइन, नमक एंड थोड़ा सा मोहन। इसको अच्छे से मैं बहुत ना ज़्यादा मुलायम ना बहुत ज़्यादा कड़ा, मुलायम मतलब नॉर्मल बीच वाला आटा मैं सान लूँगी। बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा कड़ा होना चाहिए, ताकि आप इजीली अपनी बाटी को अच्छे से भर लीजिए। छत पे आप अरे कितनी ज्यादा खुश है। और यहाँ पे भैया जी ने कर रखी व्यवस्था, तो ये देखिए आज कंडे में बनेगा। ओहो धुआं, आलू हो गया भैया जी? उधर भैया जी कंडे जला रहे थे, और पहले उसमें भुनेंगे आलू बैंगन टमाटर। तो छोटे तसले में उन्होंने किया है, उसके बाद एक बड़ा तसला वो जलाएंगे जिसमें हमारी बाटी बनेगी। और यहाँ मैं फटाफट भर रही हूँ अपनी बाटी। मेरा भुर्रा अच्छे से भर गया था, मतलब पूरी बाटी में। उधर मेरी देवरानी भर्ती की तैयारी कर रही थी, और ये छोटी सी परी, इनको हमेशा आप सुनाई लकड़ी की काठी, तब ये डांस करने लगती है। हम लोग को मिर्चा मतलब थोड़ा सा कड़वा कम था, क्योंकि हम लोग ने भुर्रा टेस्ट किया था, तो ये महीन महीन मिर्चे कट कर रही है भरते में डालने के लिए। इधर बैंगन भुन गया था, तो बैंगन को पहले पानी में डालते, उसके छिलके को हटाते हैं, एंड उसके बाद बैंगन चेक करते हैं अंदर कीड़े वेड़े तो नहीं, और फिर हम लोग बनाएंगे भरता। तो ये देखिए बैंगन को खोल के पूरा अच्छी तरह देखा जाता है, ताकि बैगन में बिल्कुल एक भी कीड़े ना हो, अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए।
तो बस इधर मेरे दाने फटाफट बैगन, उसके बाद ये आलू, क्योंकि गोइठे में आलू आलू या कंडे में आलू आप भूनिए, बैगन भूनिए तो काले काले हो जाते हैं, धूल वाले हो जाते हैं, लेकिन इसका टेस्ट एक अलग ही टेस्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है, सोना सोना लगता है, स्मोकी टेस्ट आता है। तो बस फटाफट ये छील के आलू उसमें डाल रही थी। कंडे में हम लोग फटाफट अपनी बाटी सेक रहे थे। आप कोयले में बनाइए चाहे कंडे में बनाइए, ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ता है कि आपकी बाटी जल ना जाए। तो मैं बस इसको पलट पलट के सेक रही थी अच्छी तरह कि ये जले भी ना और अंदर तक अच्छे से पक जाए। और मैं बार बार यही कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी अच्छा लगता है, जिनको भी देसी खाने का शौक़ होगा उन्हें ये बाटी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इधर मैं फटाफट बाटी सेक रही थी, उधर मेरी दीवानी बना रही थी भरता। तो भरता बैंगन टमा आलू को उसने अच्छे से मैश कर लिया, उसमें इतनी ढेर सारी धनिया, लहसुन, अदरक, मिर्ची का पेस्ट, इन सबको डाला। इसमें पड़ेगा मस्टर्ड ऑयल, नमक, टमाटर मेरा भुन गया है तो उसको भी छील के इसमें डाल दिया गया है। अब इसमें पड़ेगा लेमन, लेमन से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, यमी लगता है। अब इसको अच्छे से मैश करके हमारा भरता हो जाएगा रेडी। एंड हम लोग टेस्ट करते रहते हैं, जो कम होता है वो डाल देते हैं, आप भी अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं तीखा। बट आप लहसुन, मिर्चा, अदरक अच्छे से डालिए, धनिया अच्छे से डालिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी ये भरता बनता है। तो ये मेरा भरता बन के हो गया है रेडी, बस इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो बाटी मेरा बन गया है और ये देखिए बाटी, और अभी सादी बाटी बन रही है, और ये बन गया है चोखा भरता। और बहुत लोग कंडा कहते हैं, बहुत लोग गोइठे कहते हैं, बट कंडा में मतलब हम लोग ने बनाया है, कोयले में भी बनता है, और मैंने इसके पहले जो ब्लॉग डाला था मैंने अवन में बनाया था। बट आप कंडे में या हाँ कोयले में बनाइए, उसका टेस्ट ही अलग आता है, देसी टेस्ट। और छत पे बैठ के खाइए, इस समय मौसम भी बहुत अच्छा, बट हवा चल रही है फिर रुक जा रही है, धोखा दे रही है हवा, धोखा दे रही है। हाँ भैया जी, भैया जी को बहुत ज्यादा शौक है, और नेक्स्ट टाइम मम्मी भी मेरी आएंगी, वो लोग भी बोल रही बनाएंगे, फिर हम लोग बनाएंगे वो पंचमेल दाल, हांडी दाल। हाँ पंचमेल हांडी दाल, मतलब हांडी में बनाएंगे दाल, बहुत टेस्टी लगता है। हम लोग नीचे आ गए थे क्योंकि ऊपर थोड़ी सी उमस थी और बच्चे ऊपर आने देते खाने, तो भैया जी तसले में हल्की सी आग, उसमें हम लोग ने सारी बाटी रख ली थी ताकि बाटी हमारी गर्म रहे। और ये है भरता, हरा मिर्च एंड महीन महीन कटा हुआ प्याज, विनेगर वाला प्याज है। तो बस अब हम लोग बैठ गए खाने। तो
बाटी में और देसी घी आप भरपूर मात्रा में डालिए, अच्छे से डालिए, बाटी को फोड़ के उसके अंदर देसी घी डालकर खाइए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये गोएठी का है तो कंडे का है, तो इसको मैं अच्छे से पीट पीट के इसकी धूल निकाल दे रही हूँ, धूल मिट्टी जो, और उसमें बस मैं फटाफट इसको तोड़ के, बच्चों को तो तोड़ के उसमें घी डाल के दे रही हूँ, बड़ों को तो ऐसे दे रही हूँ। और मैंने सादी बाटी बनाई थी, मेरा बड़ा वाला बेटा हरी बाटी कम खाता है, तो वो उन सबको मैं तोड़ तोड़ के उसमें देसी घी डाल डाल के दे रही हूँ, और एक साथ बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। सबको देने के बाद मैं अपनी बाटी खा रही थी, क्योंकि बच्चों को साथ टाइम देना पड़ता है और खिलाना पड़ता है। बस आपको मेरी बाटी की रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, तो आई होप मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। बाय। एंड आप मेरा आने वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये मैंने अपने हस्बैंड को दी थी बाटी, जिसको मैंने फ्राई करके दी थी देसी घी में, क्योंकि इन्हें थोड़ा सा वो वाला कम पसंद है, तो मैं इनको ऐसे ही देती हूँ। बाय।